वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों में आपस में विवाद हुआ, दोनों में आपस में। विश्वामित्र जी ने कहा तप बड़ा होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं तप बड़ा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं सत्संग बड़ा। मेरी जीजियों और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आप बड़े ध्यान से कथा में इतने मन को लगाइएगा। बहुत दूर दूर से आप छिंदवाड़ा से भी आए हो तो 15 किलोमीटर दूर से आए, सही है। आप आसपास से भी आए हो तो दूर से आए, 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये ऑटो वाले का खर्च कर कर आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ पहुँचे हो। केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए, केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए, कथा में अपने मन को लगाना। हम तो इस विश्वास से कथा को कहकर जाएं कि जितने आए हो ना, हाथ हिलाने से काम नहीं होगा, झोली भर कर लेकर जाना, बस इतना भगवान से प्रार्थना कर। ये तो कैमरे वालों का काम है जो आपके सामने कैमरा ले जाएंगे, आप उस पर हाथ हिलाने में अपना समय बर्बाद मत करना। टीवी पर ध्यान न रखते हुए कि मेरा फोटो आया कि नहीं आया, ध्यान ये रखना कि हमने जो कथा सुनी वो हमारी रोमावली से प्रवेश कर कर मेरे देवाधिदेव महादेव ने स्वीकार करी कि नहीं करी, मेरे जैसे जीव को उसको अपना बनाया कि नहीं बनाया, हमें उसको स्वीकार, हम उससे प्राप्त। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी में आपस में विवाद। विश्वामित्र जी कह रहे हैं तप बड़ा होता है, वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा होता है। 5 मिनट भी अगर कहीं बैठकर सत्संग किया है तो वो सत्संग बड़ा होता है। दोनों में विवाद हो रहा है, दोनों में विवाद। अब दोनों झगड़ा करते करते दोनों की दोनों भगवान नारायण के पास में पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और दोनों झगड़ा करते करते जब भगवान विष्णु जी के पास में पहुंचे तो भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई थी और उन्होंने वशिष्ठ बाबा और भगवान विश्वामित्र दोनों ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु हमारे मन में एक संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। हमारे मन में एक संशय आ गया, उस संशय को समाप्त कर दीजिए, हमारा वो संशय समाप्त करिए। पूछा क्या संशय है तुम्हारा, तुम्हारा संशय है क्या? तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? रूखी अरवा जय, तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बड़ा है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है। दोनों में विवाद है। अब आप क्लियर करिए, आप बता दीजिए कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा। भगवान नारायण तुरंत बोले, भैया देखो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब तो केवल एक दे सकते हैं, वो हैं देवाधिदेव महादेव। महादेव के सिवाय कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा, इसका जवाब महादेव के सिवाय कोई नहीं दे सकता। अब जाओ शिव जी के पास, अब जाओ देवाधिदेव महादेव के पास। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। आवाज नहीं जा रही है उधर पंडाल में। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए और देवाधिदेव महादेव के पास में जब दोनों पहुंचे, भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा क्या बात है, कैसे आना हुआ? विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा होता है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं सत्संग बड़ा होता है,
हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। शंकर भगवान बोले, जब भगवान नारायण ने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं क्यों जवाब दूं। इसका जवाब केवल एक दे सकते हैं, वो है शेषनाग। आप शेषनाग के पास में जाओ, शेषनाग जी के पास में भेजा। शेषनाग जी से विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने कहा कि तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भगवत कथा, भगवान की पावन कथा, भगवान का भजन, ये बड़ा? आप बताओ इन दोनों में बड़ा क्या? शेषनाग जी बोले, मैं उत्तर तो दे दूंगा पर बात इतनी सी है कि उत्तर देने में मना नहीं है, पर मेरे फन के ऊपर जो ये पृथ्वी रखी है, ये पृथ्वी निरंतर घूम रही है। इस पृथ्वी को घूमने से थोड़ी देर रोक दो तो मैं तुमको इसका उत्तर दे दूं। इतने में विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया और विश्वामित्र बाबा ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने जितना तप करा उसका सारा पुण्य मैं पृथ्वी को देता हूं, और पृथ्वी तू एक क्षण के लिए रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, पृथ्वी रुकी नहीं। जब पृथ्वी नहीं रुकी तब वशिष्ठ बाबा ने देखा कि विश्वामित्र जी से यह पृथ्वी नहीं रुकी, तो वशिष्ठ बाबा ने कहा, हे पृथ्वी मैया, मैंने अगर किसी सच्चे गुरु के पास में बैठकर एक क्षण का भी सत्संग करा हो तो वो एक क्षण के सत्संग का पुण्य मैं आपको देता हूं। पृथ्वी रुक जा, और पृथ्वी एक क्षण के सत्संग के पुण्य से रुक गई। तब शेषनाग जी ने कहा कि देखो, ये तप और सत्संग, इन दोनों में सबसे बड़ा है सत्संग। इसलिए शिवपुराण की कथा कहती है कि आप अगर शिवपुराण की कथा में जाकर बैठे हो, टीवी के सामने कथा चल रही है, आप कथा में बैठे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, जहां जगह मिली वहां बैठकर यदि आप एक क्षण की भी कथा श्रवण कर रहे हो तो वो एक क्षण की कथा भी तुम्हारे दुख को रोक सकती है, तुम्हारी तकलीफ को रोक। भजन, कीर्तन, स्मरण, पुण्य, भगवत कीर्तन, भगवान का भजन, किसी दुखी के चेहरे पर प्रसन्नता, ये हमारे दुख को भी रोकता, ये हमारी तकलीफों को भी रोक देते। हमारे कष्ट को भी रोक देते,